दशकों में मुंह और गले के कैंसर के जो रोगियों की संख्या है वो काफी बड़ी है, आप सभी को पता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि पिछले दशकों में तकनीकी विस्तार इतना ज़्यादा हुआ है कि अब हम मुंह और गले के कैंसर के रोगियों को पहले से अधिक अच्छे तरीके से ट्रीट कर पा रहे हैं। इनमें से कुछ एक हैं, जैसे आज हम जटिल से जटिल ऑपरेशन कर पा रहे हैं, आधुनिक तकनीक की वजह से रिकंस्ट्रक्शन अब बहुत अच्छा हो गया है, और इसमें एक जो महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी है वो है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी रोबोट द्वारा अत्याधुनिक तरीके से मुंह और गले के कैंसर की सर्जरी होती है। इस सर्जरी के तीन फायदे हैं। पहला फायदा, चेहरे पे स्कार या निशान कहीं नहीं दिखता है, जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरा फायदा, मरीज की रिकवरी बहुत तेज गति से होती है, अर्थात वो बहुत जल्दी रिकवर होता है। और तीसरा फायदा कि मरीज के चेहरे पर सेंसेशन लॉस नहीं होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम चेहरे पर कोई चीरा लगाते हैं तो उस जगह की तंत्रिकाएं कट जाती हैं और उस जगह का सेंसेशन ऑपरेशन के बाद भी वापस नहीं आता है। लेकिन अगर वही सर्जरी रोबोट द्वारा की जाए तो इस तरह की कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि चेहरे के ऊपर कोई चीरा नहीं होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि रोबोटिक एक अत्याधुनिक तकनीक है जिसके द्वारा हम चेहरे पर बिना चीरा लगाए मुंह और गले के कैंसर की या थायराइड की सर्जरी कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी ऐसी परिस्थिति से गुजरे या आपके किसी परिजन को सर्जरी की आवश्यकता हो तो अपने चिकित्सक से रोबोटिक सर्जरी के बारे में अवश्य पूछें। धन्यवाद।